हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेड प्लांट के कुछ फ़ायदे या फिर बेनिफिट्स के बारे में। जेड प्लांट को हम कॉमनली कसूला ओवाटा या फिर लकी प्लांट भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कुछ फ़ायदे। सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छा एक एयर क्वालिटी इम्प्रूव करने वाला प्लांट है। ये हमारी हवा को शुद्ध बनाता है, जो हमारे घर में पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जैसे कि टोलुइन, एसीटोन, ये उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। रात के वक्त काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है घर के अंदर, तो ये उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरा कि ये बहुत ही अच्छा गुड लक चार्म है। फेंग शुई और वास्तुशास्त्र के अनुसार इसको अगर आप अपने घर के साउथ या साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी लाएगा आपके घर में। और उसके अलावा साउथ और साउथ ईस्ट इसके लिए इतने अच्छे क्यों हैं, क्योंकि इसको धूप पसंद है। तो आपके घर में साउथ की दिशा में अगर धूप आती है तो आपको उसी दिशा में इसको रखना है। चौथा इसका फ़ायदा ये है कि ये हमारे घर की ह्यूमिडिटी लेवल को बढ़ाता है। हमारी जो एयर होती है घर की, जैसे कि हमारे घर के अंदर एयर कंडीशनर्स चलते हैं, हीटर्स चलते हैं, तो ड्राई एयर बहुत हो जाती है और वो हमारी स्किन में इचिनेस, इरिटेशन का कई बार क्रिएट कर सकती है, एलर्जीज़ वगैरह। तो ये जो है प्लांट, ये ह्यूमिडिटी लेवल को बढ़ाता है और हमारी हवा को अच्छा बनाता है। पांचवा है कि इसकी कई सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। चाइनीज़ मेडिसिन के अनुसार तो ये भी माना गया है कि अगर आप इसकी चाय के अंदर इसका एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं तो वो डायबिटीज़ को रिमूव कर सकता है, मगर ये मैंने कभी पर्सनली यूज़ नहीं किया है, पर ऐसा माना जाता है। छठा और आखिरी हमारा फ़ायदा ये है कि अगर आप बिल्कुल नए गार्डनर हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा पौधा अपने घर में लगाऊं, क्या यूज़ करूं जो बिल्कुल लो मेंटेनेंस हो, तो ये प्लांट बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप इसकी केयर की वीडियो और प्रोपगेशन की वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।